तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज। जी हाँ जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। माशाल्लाह वेरी गुड। जज साहब मेरा नाम समीना है और ये मेरे शोहर हैं और ये इनकी दूसरी बीवी है। वाओ अच्छा। और ये मेरे कजन उस्मान है, उस्मान जो मीडिया में होते हैं। जज साहब मेरी शादी ये किधर होते हैं? जद्दा में? मीडिया में। मीडिया में जी। अच्छा, वेरी गुड। जज साहब मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अच्छा माशा। तो 5 साल के बाद हमारे घर पर मन्नतों मरादों के साथ बाद हमारे घर पर एक प्यारा सा बेटा हुआ। माशा बहुत मुबारक हो। तो उसका 1 साल के बाद वो बच्चा ना बीमार रहने लग गया और हम लोगों ने जगह जगह डॉक्टरों के पास दिखाया, तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके गए। उसने कहा कि आप ना अपने बच्चे का सिटी स्कैन करवाएं। तो वो जैसे ही उसने रिपोर्ट लिख के दी, हम लोगों ने करवाई, तो वो जैसे रिपोर्ट आई हम लोगों ने देखा तो वो उस रिपोर्ट में दिमाग का कैंसर था बच्चे के। तो हम दोनों मियाँ बीवी इतना परेशान हुए कि या अल्लाह ये क्या हुआ, हमारे तो माली हालात भी इस तरह के नहीं है, हम लोग अपने बच्चे का किस तरह इलाज करवाएंगे। घर का किराया जो 6,000 है वो ही नहीं दे पाते थे, इसकी 25,000 पेमेंट थी। तो हम दोनों मियाँ बीवी परेशान, पूरा ख़ानदान वालों को कहा, सबको कहा कि हमारी मदद करो। डॉक्टरों ने कहा कि 15 लाख का इसका खर्चा होगा बच्चे का ऑपरेशन पर। तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। इनकी आमदनी 25,000 रुपया महीना थी। हाँ जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इस बीमारी का जो इलाज है जी जी उसमें कम से कम 15 लाख का खर्चा होगा। हाँ जी। तो आपके पास कोई वसाइल नहीं? कोई वसाइल नहीं थे, खानदानों में रिश्तेदार सबको बोला मगर किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। एक दिन मेरे उस्मान भाई हैं ये आए मेरे पास, कह रहा बहन आप परेशान नहीं हो, अल्लाह ने चाहा ना कोई मदद अल्लाह ताला करेगा आपकी, कोई ना कोई जरिया बनेगा। ये मेरे पास 2 लाख रुपये हैं, आप ये रखो कि इससे आपका कोई काम बने। मैंने कहा भाई इससे हमारा क्या बनेगा, हम लोग तो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान है, इससे 15 लाख हमें चाहिए। फिर इसने कहा परेशानी हो हम लोग एक वीडियो बनाते हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ, ये मेरे पास आई, ये बहुत परेशान थी और इनके हस्बैंड भी इनके साथ आए थे, दोनों बहुत ही परेशान ऐसी हालत में। जाहिर है बेटे का ब्रेन ट्यूमर था, इनके साथ नहीं आया था और ये मेरा आइडिया नहीं था। जैसे पहले मैं अगर कुछ कहूँ इनसे, आप कहें कि खामोश रहे, मैं पहले बता दूं। समीना को ही बताने देना, समीना आप बताओ। आप परेशान नहीं हो, मैं एक वीडियो बनाते हैं जो फेसबुक में डालते हैं ताकि लोगों के दिलों में रहम आए, हो सकता है लोग आपकी मदद करें। तो जैसा वो जैसे ही हम लोगों ने वीडियो डाली, 3 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह से हमारे बच्चे के लिए 15 लाख के बजाय 20-22 लाख हो गया। अच्छा जैसा, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैंने इनसे कहा कि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसके जो टूल्स होते हैं वायरल करने के वो मुझे पता थे। मैंने उसको जैसे ही सोशल मीडिया पर डाला तो खुदा का करना ऐसा हुआ, हमारे लोग सखी तो बहुत हैं, 3 दिन के अंदर अंदर वीडियो वायरल हुई। मामले में तो हर आदमी देखे। एग्जैक्टली। और 3 दिन के अंदर जी 15 की बजाय 20 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ गया। माशाल्लाह। और पॉजिटिव अप्रोच इतनी थी कि मैंने अकाउंट भी इन्हीं के नाम पर खुलवाया, बिकॉज जाहिर है बाप है, उसका बेटा बीमार है, उससे ज़्यादा कोई उसका एहसास नहीं करेगा। तो इनके नाम पर अकाउंट हुआ, फिर इन्होंने 15 लाख में अपने बेटे का इलाज करवाया, माशाल्लाह बेटा ठीक होकर घर आ गया। अब मुसलसल इनके अकाउंट में पैसे गिरते चले जा रहे हैं, वो वीडियो तो वायरल से वायरल होती चली जा रही है, लोग देखते हैं इनके अकाउंट में पैसे गिरते रहते हैं। इसके बाद इन्होंने, इनकी जो समीना है, इन्होंने इनसे कहा कि देखिए अब हमारे बेटे का इलाज हो गया, अब ये जो पैसे आ रहे हैं ये हमारे लिए हराम है। समीना आप बताएं किसके बाद आपके पैसे होते हैं? जी जी, जब मेरा बच्चा सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, अल्लाह ताला ने सब सही कर दिया हमारे बच्चे को, तो मेरे घर में लड़ाई शुरू हो गई कि ये पैसे आ रहे हैं, हमें ये पैसे नहीं अभी चाहिए, हमें ये हराम के पैसे हो गए, हम लोग बड़ी पॉजिटिव आपने अप्रोच की है। हाँ, तो मैंने कहा मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, आप ये पैसा आप ये अकाउंट किसी और जरूरतमंद को मिल जाए, किसी और जरूरतमंद को मिल जाए, ये पैसा अब ये अकाउंट बंद करवा दो। तो इसी तरह हम लोग एक रात इस तरह आई, मैंने इसने मुझे कहा सही है मैं बंद करवा दूंगा आप टेंशन नहीं लो। तो ये ऑफिस चले गए, थोड़ा इसका काम भी लग गया, कह रहे मैं जा रहा हूँ सही है। मैंने कहा आप मुझे, इसने कहा कि मैं आप मेरे लिए खाना तैयार करो। मैंने कहा मैं एक मतलब घरेलू, और मैंने इसके लिए ना साग तैयार किया, मैंने कहा आप आओ। इसने 80 खुशी हम दोनों मियाँ बीवी ने खाना खाया, बच्चा भी सो गया है, सब कुछ सही हुआ। तो जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ मेरे पास से बच्चा गायब, बच्चा ही नहीं, पूरे हम लोग ने साग खिलाया था, साग इसको खिलाया मैंने, कभी घर में रोटी नहीं बनाई, ये साग इसके लिए अपने बच्चे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, और ये अच्छा। कहते थे क्या हुआ, रात को आप लोग ठीक ठाक सोए हैं साग खा के? जी जी। और साग का असर ये हुआ, ये मेरा बच्चे को गायब हो गया।
वो जो ऊपर 5 लाख रुपए पहले आए और उसके बाद मुसलसल पैसे आते रहे, शायद वो 5 लाख रुपए इनके ज़मीर की कीमत थी। ये बेटे को लिया इन्होंने और वहाँ से 9-2-11 अब 1 साल होने को आया, ये दरबदर की ठोकरें खा रही है, इन्होंने ना कोई हॉस्पिटल छोड़ा। क्या हुआ? तो फिर जैसे ही हम लोगों ने, मेरे सुबह उठ के देखा मेरा बच्चा गायब, एक उसका ऑपरेशन हुआ के साथ ये बंदा भी गायब, ये बच्चा भी गायब और ये भी बंदा गायब। और पूरे मैंने सबको पूछा कि मेरा शोहर मेरा बच्चा लेकर आया है या कहाँ गया मेरा बच्चा। 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि ये बच्चा अगवा करके चला गया है और इसको पैसे की लालच पड़ गई थी। वो बच्चा तो सोने की चिड़िया बन गया, सोने की चिड़िया इसने बना दी इस शोहर ने मेरे लिए। तो मैं अपने इस कजन के पास गई, उसे अपने लिए बना ली, उसने अपने लिए बना ली, इसने अपना बच्चा नहीं समझा, इसने सिर्फ मोरा बनाया पैसे के, पैसे वाला। आप सही बात कर रही हैं। हाँ, इसने बस बच्चा नहीं समझा इसने, और अभी तक भी इन्होंने ये वो नहीं समझ रहे, कह रहे कि हाँ नहीं। मैं फिर अपने कजन के पास रोती हुई गई कि हम लोगों ने इतनी मुश्किलों के साथ अपने बच्चे को बचाया है, किस तरह किया है, अल्लाह ताला ने बचा दिया हमारे बच्चे को, मगर मेरा कजन करा परेशान नहीं हो। अल्लाह ने मेरे कजन ने मेरे साथ जगह जगह हॉस्पिटलों में हर जगह पर ढूंढा, हमें नहीं मिला। जैसा भी जब परेशान होकर आई तो डेफिनेटली इनकी जो हालत थी वो समझी जा सकती है। इन्होंने ना कोई शहर का हॉस्पिटल छोड़ा, जी जी, इनकी हालत आप भी समझिए, ना छोड़ा ना कोई पुलिस स्टेशन, जहाँ जहाँ कोई लापता शख्स हो सकता है ये वहाँ गई है। और बाद जगह पर मेरी वाइफ इनके साथ गई, कहीं मैं गया, मेरी बीवी भी जर्नलिस्ट है। अच्छा। तो उनकी बीट भी सोशल इश्यूज पर वो बीट कवर करती है, तो इस तरह की स्टोरीज आती रहती हैं, लेकिन ऐसी स्टोरी कभी नहीं आई जज साहब। ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट और अनोखी चीज़ है। बोल रहे हैं आप। अपने बेटे को ढाल बनाकर इन्होंने उसको सोने की चिड़िया बनाया। और अब जो सबसे बड़ी बात है, एक और वीडियो वायरल होती है 1 साल बाद। अच्छा। और मैं सोशल मीडिया पर वो घूमती हुई मेरे सामने ही, मैं दंग रह गया देखकर। उसमें इन्होंने दोबारा अपील की है कि 15 लाख रुपए मजीद चाहिए बच्चे के इलाज के लिए, जबकि इनका बच्चा 1 साल पहले तंदुरुस्त हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। और अब इनका ये ड्रेस कोड देखें, माशाल्लाह दोनों मियां बीवी ने कैसे बात कर रहे हैं। उस वीडियो के अंदर से आई वो बीच में जमीना, तो इसने जैसे ही हम लोग 1 साल बाद हमें ये मिले वीडियो के जरिए, खाने के बाद फिर क्या हुआ ना, दूसरी शादी कर ली। साग खाने के बाद 1 साल गायब ही हो गई है, तो पूरा साल गायब हो गया। वो मेरे कजन ने मुझे बताया, वीडियो दिखाई, मैं रोती पीटती अपने बच्चे के पीछे मैं गई वहां पर, जाके मैंने देखा इस दूसरी औरत से शादी कर ली। कहां से ढूंढा आपने इसको? इसको वीडियो के जरिए हम लोगों को मालूम चला कि ये इस जगह पर बैठे गुलशन हदीस में। ओए, 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 तो हम लोग इसने इतना परेशान हो से एक समझ आ गई कि ये गुलशन हदीस नहीं, लोगों ने हमें मेंशन था वहां पैसे सर, ये सारी मार्केट कहानी का पेशा बना रखा है ना, पेशा बना रखा है मेरे भाई ने मीडिया में, ये इन्होंने मुझे एड्रेस ढूंढ के दिया। हम दोनों भाई बहन और इनकी बेगम हमारे साथ, हम तीनों ने किसी तरह जैसे भी करके इसके अपने बच्चे तक मैं पहुंची हूँ। जाके मैंने क्या देखा कि इसने दूसरी शादी की हुई है और इन दोनों ने एक वो कारोबार बनाया हुआ है मेरे बच्चे को मोहरा करके, कि उसकी वीडियो बना के बच्चे लोगों से पैसा ले रहे हैं, बच्चे के इलाज के बहाने पैसे हाँ। जमा करके पैसे जमा कर रहे हैं, दूसरी शादियां कर रहे हैं। हाँ जज साहब, हमने एक और जज साहब ये देखें कि किस तरह की शादी की है, पहले इसकी कंडीशन कैसी थी, अभी कैसी है, इस छमक छोला से इसने शादी करके मिले तो फिर और मेरा बच्चा मानी चाहिए तुम्हें, जज साहब मानी चाहिए, बकवा लेते हैं, फिर दूसरी शादी चेक करते हैं छमक छलो कौन है, अभी देखते हैं। हाँ बीबी, अब आपको सुनते हैं, आपको तो गुफ्तगू से पहले ही टाइटल मिल गया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जी बेटा। सर ये जब मेरे पास आए थे ना तो ये बिल्कुल खाली हाथ थे। ओए, ओए, इनके पास कुछ भी नहीं था। हाँ ये अपने बेटे को जरूर मेरे पास लेकर आए थे, जो कि बहुत ज्यादा बीमार था, उसका ऑपरेशन हुआ हुआ था। ऑपरेशन को ये कोई 1 महीना हुआ होगा। मैंने बेटे से पूछा, बेटा क्या हुआ, आपकी मम्मा कहाँ है? कहता है मेरी मम्मा सारा दिन मोबाइल देखती रहती है, सारा दिन जो है वो टीवी देखती रहती है। आप खामोश हो जाओ, खामोश जो बात सुन रहे हो, बात सुन रहे हो, आपकी बात सुन रही है ना, आप जब बोल रही थी तो मैं कुछ नहीं बोली। आपने मुझे माँ सबके बीच में, जरा पहले आप सच बोल रही हो, आपने बीच में आपका सुना है पूरा, अब जरा इनकी कहानी सुनते हैं। आपने सबके बीच में मुझे चमक छोलो बोला, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैं जज साहब से बात कर रही हूं, मैं आपके पास नहीं लग रहा, मेरा बच्चा मुझे चाहिए, चाहे तुम लोग कहीं भी जाओ। जज साहब पहले इनसे, पहले इनसे पूछिए कि ये कहां गए थे 1 साल पहले। आने दे जरा पहले वो, आप हमारे मैटर में ना बोला, आप तो बिल्कुल नहीं बोल रहे, उनका पूरा हक है, असल फसाद की जड़ी तुम हो। नहीं वो उनका पूरा हक है, असल फसाद की जड़ी है, मेरे बच्चे को और सारा मेरे बच्चे को सीधा से आप कर रहे हो। मेरा काम स्टोरी को रिपोर्ट करना है और फैक्ट फाइंडिंग है। सहाफी होगी, तुमने ये वीडियो का सारा प्लान बनाया, स्टेटस मेरे सामने आया सर, ये वीडियो का प्लान इसी का था। आप बता रहे जी, तो आप कर रहे हो इस बात को, पैसा इकट्ठा करने का प्लान इन्हीं का था,
हम लोग इसमें आपके बेटे की जान बचाने के लिए सिर्फ की जान बचाने के लिए हमारे पास है, हमारे पास। चुप हो जाओ जरा, चुप हो जाओ। नहीं मगर शादी आपकी हो गई, पैसा प्लान इसका था। नहीं जैसा ऐसे नहीं है, मैं आपको पूरी पहले मुझे शादी की कहानी सर, मैं आपको थोड़ी सी आपको अपनी स्टोरी सुना, पहले यहाँ से स्टोरी सुनाएं कि आप साग खा के सोए। फिर सर ये साग बनाएगी, साग बनाना तो बड़ी ही सुगण औरतों का काम होता है। अच्छा, इस जैसी पोहर जो है और बदमिजाज जाहिल औरत बनाएगी। अच्छा। जो जिसको सारा दिन मोबाइल के अलावा काम ही नहीं, साग नहीं खिलाया आपको, झूठ बोल रही है ये। इसे कभी अच्छा। मुझे टाइम पे खाने नहीं दिया। जो इज्जत वाली होती है ना, आज ही औरत को बना के देती है। समीना ठहर जाओ जस सर, आज तक सुबह खिलाया क्या? सुबह नाश्ते में इसने कभी मुझे एक कप चाय का नहीं दिया। मैं दफ्तर से आता, ये पट्टी बांध के लेटी होती। आजकल तो टी बैग से बन जाती है, टी बैग से वो ही बना के दे देती है। वो भी नहीं आ रही इसको, वो कभी तक नहीं बना के दी इसको, तो ये नहीं पता कि टी बैग होता क्या है। बिल्कुल जाहिल औरत है ये, समीना टी बैग होता है, अनएजुकेटेड वाली चाय जो होती है। नहीं हमारे चाय बनती है आपको इज्जत के साथ, मुझे और कुछ नहीं, मुझे मेरा बच्चा दो और ये फ्रॉडी बातें जो हैं, जो बच्चा तुम्हारा नहीं है, बच्चा मेरा भी है। कैसे बच्चा तुम्हारा? बच्चा तुम्हारा है। मैं बच्चा क्यों लेके गया था? क्यों लेके गया था बच्चा? की जान बचाई, बच्चा मैं बच्चा इसलिए लेकर गया था कि तुम एक अच्छी कमा सकें, आप पैसा बना सकें, आप मजीद वीडियो से पैसे आ सके। जाना वो बंद कर लो अपना, सहाबत ज्यादा आती है। चले पहले इनकी कहानी सुन ले। अच्छा सुनाए ना जी, वो जिस दिन साग आप कह रहे साग नहीं पकाया, साग कैसे अभी खाना नहीं दिया? झूठ बोल रही है ये, कभी रोटी रोटी तक तो पकना नहीं आया। उस दिन क्या निहारी खाई, क्या खाया? कुछ भी नहीं खाया जैसा, ओए खाली पेट निकल गया जैसा। इनकी तजाद बयानी चेक करें, एक बार कहते हैं चुप करोगे, चुप करोगे? चले बारी बारी आपके कहने पे, मैं बोल लूं जज साहब के कहने पे, मैं भी बोल लूं, हमें अपनी सफाई में मौका मिलेगा कुछ कहने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की सफाई हो रही है। जैसा मैं आपको बता दूं, जी जी, जैसा मेरा नाम हैदर है, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जैसा मेरी कहानी कुछ यूं है कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, मैं यहाँ रोजगार के सिलसिले में आया हुआ था। कराची शहर में आपको पता है अच्छी जॉब्स मिलना जरा आसान होता है दूसरे शहरों के बनिस्पत। हाँ। तो मैं मेरा वो मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, एक ही महल्ले में हम रहते थे। अच्छा। इनके जो वालिद है, अच्छा, वो मेरे पड़ोसी थे। इनके वालिद से मेरी अक्सर मस्जिद में मुलाकात होती थी और अच्छा। कभी कभी चाय के होटल पे, खाने के होटल पे वो मुझे देखते थे खाना खाते हुए, चाय पीते हुए। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपकी इधर फैमिली नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, मेरी फैमिली नहीं है, पंजाब रहती है। तो फिर इन्होंने कहा कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं। मैं इनके वालिद के कहने पे इनके घर चला गया, वहां पे इनसे मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम मेरी। अच्छा। जो मेरी ये बीवी है समीना, इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने इनकी इतनी तारीफ की और साथ में अपनी परेशानी भी बताई कि मैं इसके रिश्ते के लिए परेशान हूँ, मुझे अच्छा। बेटी की शादी करनी है। तो सर मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास रुपया पैसा भी नहीं था, जॉब भी अच्छी नहीं थी, मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे भी कोई घर चाहिए था, अच्छी बीवी चाहिए थी। इसकी इतनी खूबियां गिनवाई इस समीना की, इतनी खूबियां गिनवाई कि मुझे पूरी दुनिया में इससे अच्छी कोई औरत नजर ही नहीं आई। घर मकान भी दे रही थी, खाना पीना भी, मकान कहाँ से देना था, खाना पीना भी कहाँ से, आपको रहने के लिए जगह। सर बता रहा हूँ ना, आगे पहले मेरी सुन तो ले। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने इनके वालिद की इतनी खूबियां बयान करने के बावजूद समझे ये वो बीवी नहीं है, बल्कि मुझ पर मुसल्लत की गई एक बीवी है। इनके वालिद के कहने पे मैं रजामंद हो गया इनसे शादी के लिए। अच्छा। हम हमारी शादी होगी, हम रहने लगे आपस में। आप ये देख ले मुझसे एज में कितनी बड़ी है ये ना। अच्छा। हाँ मुझसे 8-10 साल बड़ी है ये उम्र में। अभी मैंने तो इनके वालिद के वालिद पे ना तर्स खा के, इन पे तर्स खा के शादी कर ली। अच्छी खूबसूरत लड़कियां शादी करने की मिल सकती थी, ठीक है, मैं भी यंग था बिल्कुल। तो इन्होंने अब क्या किया कि तर्स बाद में आपने कितनी दफा खाया सर? मैंने नहीं, मैंने फिर बाद में नहीं खाया, बस इन्हीं पे खाया था। और जो सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की गलती थी कि मैंने इनसे शादी की थी, तो इनसे तर्स खाया जी। तो तर्स के बदले जो मेरे साथ हुआ है, तर्स खा के फिर आपको बदहजमी हो गई? नहीं बदहजमी ऐसी कोई बदहजमी हुई जनाब कि आज तक मैं भुगत रहा हूँ इस औरत। अच्छा, तो फिर आपको ये मेरे को गुनाहों की सजा थी। मेरा बच्चा तो मशीन बना तुम चुप कर जाओ, अभी गुनाहों की सजा थी। अच्छा जी, तो सजा भुगत रहे जी, भुगत रहा हूँ सजा। ये देखे आज ये मुझे कटहरे भी लेकर आ गई इसको। उसके बाद फिर आपको गुनाहों को सिला कैसे मिला? ये इसकी सूरत में मिला, अनिल देख रहा हूँ। जैसे मुझे बीवी चाहिए थी, देखिए आप कोई नेकी करते हैं ना, अच्छा काम करते हैं, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में आपको उसकी जजा भी देता है। तो नेकी तो मुझे अनिला की सूरत में एक अच्छी बीवी की नहीं, नेकी क्या हो गई आपसे? आप साथी तौर पे आपको कुछ नहीं पता होता, आप नेकी के अच्छे काम करते रहते हैं दुनिया में, तो अल्लाह ताला आपको कोई सिला दे ही देता है। तो मुझे ये सिला नेकी का पता चला नेकी की सूरत में।
तो जैसा मैं आपको बताता हूँ कि मेरी से हमारी शादी होगी और हम ना रहने लगे, फिर पता चला। लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही मुझे पता चला कि ये इस औरत में जो खूबियां इनके वालिद ने गिनवाई थी उनमें 5% भी नहीं है। अच्छा सर, इस औरत को खाना बनाना दूर की बात, चाय बनाना नहीं आती। घर का ये हाल होता था, घर काम धोबी घाट ज्यादा लगता था। मैं जब भी ऑफिस से आता, खाना बिरयानी लेते आना, निहारी लेते आना, रोटी नहीं बनाई, सालन नहीं बनाया, आज बाजार से लिया। किराए के पैसे होते हैं तुम्हारे पास, दुकान से लेकर आते हैं। जैसे मेरी थोड़ी सी तनख्वाह थी उसमें हम बाहर का खाना अफोर्ड कर सकते थे, उसमें चाहिए था। ये औरत अच्छी बीवी की तरह, सुगड़ औरत की तरह ना क्या घर को चलाती, घर संभालती, उसमें हम मतलब अच्छी तरह सर्वाइव करते। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ जैसा, मैंने एक बड़ी उम्र से शादी औरत से शादी भी की, पढ़ा लिखा वाला काम करो। ये औरत घर संभालने की बजाय इस ये जो अपना जिसको भाई कहती है उसको शर्म आनी चाहिए, इसको भाई कहती है, ये इसका कजन जो है इसके साथ क्या कर रहा है सर? ये हर वक्त में जब घर आता ये इसके साथ मौजूद होता। सर ये एक बहन भाई की कहानी बात की है ना, 5 साल बाद हुआ है। चुप कर जाओ, जैसे आप हो ना, जैसे आप बच्चा तो 5 साल बाद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप निकाह की है, जैसे जो सब बात क्या नजर आ रहा है, देखकर हैरान है। तुम लोगों ने निकाह की है, तुम लोगों ने निकाह की है, झूठ मत बोलो। जब एक मशीन से बच्चा बन गया लेकर भाग गया तुम्हें, आज तुम इस मकाम में इसलिए बैठी हो अपनी हरकतों की वजह से। एक नंबर का फ्रॉड आदमी, मेरा प्रोफेशन, मेरा चले नीला जी सुने, हां भैया आप बताओ, पूरी नहीं हुई मेरी बात। ये ठहरे सब खामोश हो, आप बताएं, ये जितने इल्जामात लगा रहे हैं ना, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप इनको मिली कैसे? सर ये मेरे साथ ऑफिस में काम करते थे। ओए होए होए, ये कौन सा ऑफिस है? ऑफिस में काम करते सर, मैंने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया, जब इनसे मैंने दूर हुआ तो मैंने बच्चे के इलाज से फ्री हुआ तो मैंने एक और महकमे में एप्लीकेशन दी हुई थी, वो है तो प्राइवेट ही लेकिन वो मेरी अच्छी जॉब होगी तो वहाँ पर ही मेरी वहाँ पे अनिला मिल गई। वहाँ अनिला मेरी कुलीग थी, अच्छी अच्छा। हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं अपने प्रॉब्लम घर के शेयर करता, क्योंकि ये रोज मुझे देखती बगैर नाश्ते के ऑफिस आ रहा हूँ, खाना अच्छा अच्छा आप उसको जाके बताते जी, मैं शेयर करता, मेरी बीवी मुझे नाश्ता नहीं देती बिल्कुल, और क्या बताते थे, और बच्चे को ख्याल नहीं रखती थी, मुझसे पोछा लगवाती है, ये नहीं बताया आपने? हैं पोछे तो सर जब घर साफ, मैं एक साफ सुथरा आदमी है बिल्कुल, तो पोछा लगाते थे आप? बिल्कुल, मैं घर के काम भी कर देता था। ये इस औरत ने जो ईमानदार इज्जत वाली औरत है ना, वो कभी नहीं लगवा सकती ऐसी औरतें पोछा। ईमानदार तुम, इज्जत वाली औरत। मैंने अब यही कहा कि मेरा बच्चा शोर का ख्याल नहीं है, ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हो सकती मैंने तो यही कहा ना कि मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए, हमारा बच्चा सही हो जाए। जो औरत अदालत में अपने मियां को लेके आ सकती है, मेरे ऊपर उंगली मत उठाओ, तुम्हारे ऊपर तो उठाओ, मेरा नाम बच्चा ले दो। किस घर से बाहर औरत का हुलिया ऐसे होता है? अभी तो बाहर हराम खाने वाले का ऐसे हुलिया होता है? नीचे रख के बात करो, मेरी आवाज सुन नीचे करो। जब मेरे बच्चे को गायब किया हुआ तुम लोगों ने, मौका दिया जाए सर। फ्रॉड आदमी है, एक नंबर का फ्रॉड। आप क्रॉस तमीज से बात करो, आप लोग आपस में बात नहीं करें, फ्रॉड आदमी एक नंबर के, आप आपस में बात नहीं करें, मुझसे बात करें। अच्छा नीला, फिर क्या हुआ जब इन्होंने ऑफिस में आके नौकरी की तो आप वहाँ ऑलरेडी जॉब कर रही थी? जी मैं बिल्कुल जॉब कर रही थी, माशाल्लाह मेरा अपना जाती फ्लैट है, ठीक है। माशाल्लाह जब बहुत ज्यादा परेशान थे, फिर इन्होंने मुझे बताया कि मेरी बीवी इस तरह की हरकतें कर रही है, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, बच्चा बीमार है, उसको टाइम पे दवाइयाँ नहीं मिल रही। तो मैंने कहा कि चले आप बच्चे को मेरे घर ले आए, मैं अपने पास रख लेती हूँ बच्चे को ना। तो बच्चे से मैं मिली, बहुत खुश हुआ मुझसे मिलके। मैंने उससे कहा बेटा क्या बात है, आपकी मम्मा आपका ख्याल नहीं करती? तो कहने लगा नहीं, मेरी मम्मा सारा दिन मोबाइल देखती रहती है और इनके जो कजन जिनको ये भाई बनाया हुआ है ये सारा दिन उन्हीं के घर में रहते हैं, उन्हीं के साथ बातें। ये शेर हैं तो ये सवा शेर हैं, ये अभी देखने में आप नहीं बोलेंगे, पता चल रहा है कि मार नहीं बोलेंगे, तो मास्टरमाइंड है ही फसाद की जड़, इनको इस रास्ते पर डालने वाली है ही, और इनकी वजह से ही ऐसा कर रहे हैं। अब बात सुनो, सारी कहानी बनाने वाले राइटर तो तुम हो। मैंने बिल्कुल वीडियो बनाई आपके बेटे का इलाज कराने के लिए, रोते रहे थे आप मेरे पास, काम ही वीडियो बनाना। अरे आप भूल गए, बेटे को उठाया था आपने, आपको तो एहसान मंद होना चाहिए मेरा कि आपके बेटे का इलाज हो गया। उसने हमारे अल्लाह ताला ने चाहा, उसने हमारे बच्चे को बचाया, मगर तुम तो हो ही एहसान। अल्लाह ताला ने, लेकिन मैंने कोशिश की, बच्चे को बचाया इसने,
अल्लाह ताला ने और इसने हमारी मदद की है। बच्चे को किसने बचाया? जस्ट सर, आज बच्चे को मोहरा बना के बैठे हुए हो मेरा। जस्ट सर, आपको मैंने बता दिया। जी जी, आपके साथ सुनाए, कह रहे प्लीज मेरे सर। बेटा एक मिनट इनसे सुनते हैं। हाँ, क्या हुआ सर? जब मैंने बता दिया आपको शादी का हाल हवाल की शादी होगी, शादी के 5 साल गुजर के औलाद नहीं हो रही, बड़ी उम्र की औरत थी, औलाद कैसी होती? फिर भी आपने करा ही दी। जाहिर है, क्या करते फिर? आप कारीगर आदमी थे, इनके वालिद की बातों में आ गया था। हाँ हाँ, लेकिन कारीगर थे आप। अब क्या हुआ कि मैंने ना हॉस्पिटल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए इनको लेकर, इलाज के सिलसिले में। आखिरकार इनका जी ट्रीटमेंट चलता रहा। अच्छा। ट्रीटमेंट 5 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें ना बेटा दे दिया। बेटा बिल्कुल सेहत याब था, इस औरत ने बीमार किया। अच्छा, इसी हरकतों की वजह से बीमार हुआ। जैसा जब बच्चे को वक्त पे दूध नहीं मिलेगा, गजा नहीं मिलेगी, बच्चे की को साफ सुथरा नहीं रखा जाएगा, उसका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, बच्चे को टाइम नहीं दिया जाएगा, तो बच्चा बीमार होगा। ये सारा दिन औरत अपनी मोबाइल में या इस अपने कजन उस्मान के साथ बिजी रहती थी। जब घर आया, बच्चा भी गवाह, जब घर आया उसके साथ बाइक पे जा रही है, जब घर आया इसकी माँ आई हुई है, आज इसकी सहेली आई हुई है, आज इसकी बहन आई हुई है, या ये कहीं गई हुई है, या ये पट्टी बांध के बिस्तर पर लेटी हुई, बस और कोई काम नहीं होता था इसको। सर जब ये एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई, पूरी करेंगे। कभी इनके मसाले, ऑब्जेक्शन सर, मेरी बीवी पास जाती थी, पूरी नहीं हुई। कभी मैं जाता था, आप खामोश गायब होते थे। आप इनकी सुन रहे हैं ना सर, मेरी बात भी सुनी जा रही है। ये तो कह रहे ना मैं आता हूँ तो पट्टी बांध के बैठ गई है। जैसा अब क्या हुआ, जैसा बच्चा बीमार है नहीं लगा सर, झूठ बोले। कौन माँ है जो अपने बच्चे को झूठ के साथ मोबाइल में लगी रहेगी? झूठ बोल रही है। आप मेरी हालत देख सकते हो कि मैं अपने बच्चे के लिए किस तरह पट्टी बांध के आते होंगे ना? पट्टी बांध के क्या, ये तो पूरे बच्चे के लिए खर्चा भी नहीं पूरा दे पाते थे। मैं तो अपने भाइयों से या दूसरों से खर्चा करती थी। सारी तरह तो तुम खा जाती थी, घर पे खर्च होती थी। शरीफ आदमी हूँ, आपको शक्ल से लग रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि बहुत जाहिल है, इसको खाना बनाना नहीं आता, इसको घर का काम करना नहीं आता, उसी जबान के साथ ये कहते हैं कि ये हर वक्त मोबाइल में लगी रहती है। मोबाइल जाहिल बंदे के इस्तेमाल करने की चीज है। मोबाइल तो हर कोई यूज कर लेता है, और खाना बनाना भी इस्तेमाल करता है। 10 साल जो आपके घर में रही है वो खाना कभी नहीं बनाया। आप जितने भी जाहिल लोगों को बस देखिए, बीवी इसको अच्छी लगती थी। 10 साल पहले बीवी अच्छी लगती थी, जब बच्चा हो गया, प्रेशर हो गया, उसके बाद जब तुमने कभी भी अच्छी नहीं लगी, फिर ये बुरी होगी। बुरी जब पैसा आने लग गया तो आप बुरी हो गई हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ कहां से पैसा आ रहा था सर? कोई पैसा नहीं आ रहा था, ये सब झूठ है। सर मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल करिए। इसके अकाउंट में अभी भी पैसे आ रहे हैं। इस आदमी ने वो अकाउंट बंद नहीं करवाया। वो मैं आज बच्चा मेरे पास आ जाएगा, अकाउंट बंद करवा दो, फिर देखती हूँ ये छमक चलो। ये बस कर दो, बस कर दो झूठ बोलना। अरे अकाउंट बंद करती हूँ। जैसे हम दोनों जॉब करते हैं, हम दोनों मिलकर जॉब करते हैं, हमारी बहुत अच्छी अर्निंग है अभी हमारे पास। अब हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, हम हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं। जब इन्होंने देखा, इस औरत ने जब देखा कि हम हैप्पीली लाइफ जी रहे, एक अच्छा कपल बांध के जी रहे, और बच्चा भी हमारे पास है, बच्चा भी सेहतमंद है, तो इन्होंने ये कहानी बनाई। बच्चा तो बड़ी मुश्किल से ढूंढा है इन्होंने, गुलशन कहाँ से ढूंढा है इन्होंने? सर मैं वालिद, सर मैं बच्चे का बाप हूँ, वालिद हूँ, बच्चे को साथ लेके जा सकता हूँ, रख सकता हूँ। नहीं, नहीं, मैं अपनी उस बात की तरफ आता हूँ। कोई वालिद नहीं ले जा सकता, ये भी मैं इस पे सर मैं आ रहा हूँ ना, मैं बच्चा क्यों लेके गया सर? बच्चा हमारे साथ खुद रहने को तैयार है, वो अपनी माँ को पहचानता नहीं। नहीं नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा इस पे कानूनी हैसियत, चूंकि ये अदालत है तो अवाम के बेनिफिट के लिए ये मैं बता दूं, ये जो इन्होंने जुमला बोला ना कि मैं बच्चे का वालिद हूँ और मैं बच्चे को ले जा सकता हूँ, ये सारे वालिद जो है ना, ये उनका यही डायलॉग होता है कि लेकिन ऐसी बात नहीं है, कानून ने इसमें लिमिट्स दी हुई हैं। 7 साल तक की उम्र का बेटा सुन्नी कानून में माँ जो है उसको राइट ऑफ इजानत है, उस बच्चे की कस्टडी हर सूरत में माँ के पास रहेगी, अनलेस शी इज डिसक्वालीफाइड। डिसक्वालीफिकेशन में सिर्फ दो ही बातें हैं कि खुदा ना खास्ता कोई जहनी मरीजा हो या कोई बीमार हो या कुछ टाइप की चीज़ हो, और दूसरी डिसक्वालीफिकेशन है खुदा ना खास्ता कोई करेक्टर की बात हो, अदरवाइज कोई दूसरी डिसक्वालीफिकेशन नहीं है। और माँ के पास जो 7 साल का बच्चा राइट ऑफ इजानत से रह रहा है, जो बाप उस बच्चे को लेके भागता है उसको अगले दिन पुलिस पकड़ के ले आती है, सिर्फ एक एप्लीकेशन करनी होती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो आपके इलाके का है, आप कोई एक सादा वकील कर लें, अगर नहीं कर सकते वकील तो हाथ से लिख के दरख्वास्त दे दें, हबसे बेजा की दरख्वास्त होती है 491 की,
और उसमें लिख के जज साहब को बता दें कि जज साहब मेरा बेटा मेरा शोहर लेके भाग गया है, और शोहर का एड्रेस लिखें जहाँ बच्चा डिटेन किया हुआ है उस जगह का लिखें एड्रेस, बच्चे का नाम लिखें, वल्दियत लिखें, उम्र लिखें। जज साहब उसी दिन ऑर्डर करेंगे और जो इलाके का थाना है उसके SHO को नोटिस भेजते हैं और उसे कहते हैं कि सुबह 8 बजे ये बच्चा और इसको जो ले गया इसके वालिद को दोनों को अदालत में पेश करो। ये इतना क्विक निज़ाम है कि आप समझें कि कहते हैं अमेरिका में भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो जैसे हमारे मुल्क में है। आप सेशन जज के पास दरख्वास्त दें, सुबह बच्चा अदालत में हाज़र होगा, ये बात आप देर से निकाल दें। आपकी बात ठीक है, बजाय बच्चा ले जा सकता। सर आपकी बात बजाय सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्यों लेके गया? अच्छा बेटी के लिए बता दूं कि बेटी 11 साल की उम्र तक सुन्नी लॉ में माँ के पास रहती है एज ए मैटर ऑफ राइट। अच्छा शिया लॉ में बच्चा 2 साल की उम्र तक माँ के पास एज ए मैटर ऑफ राइट रहता है, और शिया लॉ में 7 साल की उम्र तक की बच्ची माँ के पास एज ए मैटर ऑफ राइट रहती है। ये मैं पब्लिक सर्विस मैसेज है सारे सुन लें। इस तरह के बाप बहुत आते हैं हमारे पास रोज कि मेरा बेटा है मैं उठा के ले जा रहा हूँ, हम फिर वो बाप उठवा के कोर्ट में भुगवा लेते हैं जी, बच्चा वहाँ उसी वक्त माँ के हवाले कर देते हैं सेशन जैसा। सर आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, कानूनी लिहाज से सही कह रहे हैं बात, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन सर आप मेरी बात पूरी होने देंगे? अभी तक सर मेरी बात नहीं पूरी करने दी ना। सर मैं बताता हूँ आपको, मैं कोई रात के टाइम बच्चे को लेके नहीं फरार हुआ ना भागा हूँ। ये सारा आपको अब मैं लुबे लुबा बताता हूँ कि जब ऐसे हालात हों घर के, बीवी आपका ख्याल ना रखे और बच्चा हेल्प लेके हमने दूसरों की हेल्प से बच्चे का इलाज करवाया हो, उस हालात में बच्चे को कितनी केयर चाहिए? इतने मेजर ऑपरेशन के बाद सर बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था, इन्होंने जो भी प्लान बनाया था वीडियो का उसमें टोटल सब गलत बयानी किए इन्होंने, टोटली 22 लाख रुपए जो बोल रहे हैं गलत है, इट्स रॉन्ग। 18 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे जिससे 15 लाख से बच्चे का ऑपरेट हुआ, बच्चा से जाब हो गया था, बाकी बचा था सर 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए इस औरत के हर वक्त रोने धोने होते थे, मैंने तो कभी अच्छा खाया नहीं, कभी अच्छा पहना नहीं, घर में LED नहीं है, हमारे पास बाइक नहीं है, तो मुझे बाइक पे कभी घुमाने नहीं ले गए, मैंने तो सी व्यू जाना है, मैंने तो रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाना है, इसकी डिमांड इतनी होती थी सर, अभी अच्छी बीवी कभी साबित नहीं हुई, अभी अच्छी बीवी साबित नहीं हुई और डिमांड इतनी करती थी। चले अभी वक्फा लेते हैं और फिर देखते हैं बाकी 3 लाख जो बच्चे उसमें आपकी शादी हो गई। वक्फे से पहले भाई साहब बता रहे थे कि टोटल 18 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, उसमें से 3 लाख रुपए जो है 15 लाख रुपए हॉस्पिटल में ऑपरेशन पे लग गए जी, और 3 लाख रुपए बचे, और 3 लाख रुपए में इन्होंने क्या किया कि LED ले ली जी, 3 लाख रुपए इसको चाहिए आपको मोटरसाइकिल लेके दी, मैंने एक सर इसको मोबाइल लेके दिया जो इसके पास है, एंड्रॉइड मोबाइल लेके दिया, और इसके अलावा मैंने घर का सामान लेके दिया। सर मेरी जॉब चली गई थी, मैं बच्चे के इलाज के लिए दर बदर अस्पताल के धक्के खा रहा था, तो प्राइवेट जॉब थी, कौन सी गवर्नमेंट जॉब थी? देखो जॉब चली गई, जॉब चली गई, मैं बिल्कुल बेरोजगार हो गए। नहीं सर आगे सुने, बेरोजगार हो गए, मेरे पास पैसा नहीं था, वो सारा 3 लाख रुपए मैंने घर पे खर्च किया, कौन सी अपनी आशियों पे। जज साहब जज साहब पहली बात तो ये कि 3 लाख नहीं थे, ये तकरीबन 18 लाख नहीं थे, 20 से 22 लाख रुपए थे, झूठ है ये। दूसरी बात ये है कि जज साहब आपने कभी ये चौराहों में हम सब ने स्ट्रीट बेगर्स देखे होंगे जो सिग्नल पे एक बच्चा उन्होंने यहाँ किराए पे लिया होता है वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा एक माफिया में जर्नलिस्ट होती है। जी जी बिल्कुल, ड्रग्स देके वो बच्चा उठता ही नहीं है, 8 घंटे वो फिर सिग्नल पे वो सोया रहेगा भी, दिन भी, और उनके पीछे पूरे माफिया है, पुलिस ऑपरेशन भी करती है, क्रैकडाउन भी करते हैं, इस पे बहुत एक्शन आपके जुडिशियल की तरफ से भी ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने एक डिजिटल बैगिंग ग्रुप बना लिया है शायद, बिकॉज ये जो मोहतरमा है मैंने जब रिसर्च किया तो और एक्सपर्ट है। जी जी, और इंकशाफ सामने आए, इनकी मोहतरमा जो है एक ऑर्फनेज में काम करती थी, ऑर्फन हाउस से उन्होंने एक यतीम खाने में काम करती थी। अच्छा, इन्होंने एक बच्ची को भी अडॉप्ट किया है, सिर्फ इनके बेटियों की वीडियोस नहीं बनती, वो उस बच्ची की वीडियोस भी बनाते हैं और ये सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं और बताते हैं कि हमारी व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं और हमारा ये जो लाइफस्टाइल एकदम सिर्फ 1 साल में बदल गया बिल्कुल।
ये इसकी वजह से जैसा इनसे कहिए कि इन्होंने ये सेकंड वीडियो क्यों बनाया, इसकी वजह से नहीं बना सर, आप देख सकते हैं झूठ, हमारा लाइफस्टाइल जो झूठ है, ये फेक वीडियो है, बिल्कुल फेक वीडियो है जैसा, ये वीडियो इन्होंने क्यों बनाई जैसा, आपको पता है ऐसी वीडियो ना डिलीट की जा रही आ चुके थे, ये दोबारा आपने क्यों डिलीट की, वीडियो फेक है, लोगों ने वो हमारी नहीं है वीडियो बना के रखा हुआ उस तरह नहीं हमारा, वो आज का वीडियो हमें अदालत में लेकर आना था तो ये वीडियो उन्होंने खुद से दोबारा बनाई, ये सारा इनका प्लान है, ये आज का रिवाज है, आजकल रिवाज हो गया है जिसको वीडियो दिखाओ वो कहता है ये फेक है, फेक है फेक ही होगी ना सर, फेक फॉरेंसिक करवा के देखिए, जज साहब को वीडियो दिखाएं जरा, ये इसका फॉरेंसिक आप खुद भी देख लीजिएगा, और ये वीडियो कोई फेक नहीं है, मेरे पास सारे सबूत है, मैंने पूरा होमवर्क करने के बाद आपके सामने पेश हुए जी, ऐसे होमवर्क करने में बहुत माहिर हो पास, बहुत माहिर हो आप, आप ये भी चेक कीजिएगा कि इनका जो काम मैंने खुलवा कर दिया वीडियो पे जो मेंशन था उसकी स्टेटमेंट चेक करवाइएगा, देखी उसके भाई बन गए, ये भाई बन जाते हैं शादी कर लेते, जहाँ भी एक औरत देखी खाली ये खाली औरत देख आप शादी कर लेते, नहीं शादी नहीं की हमारी अंडरस्टैंडिंग, निकाह की है, हमने निकाह की, शादी में निकाह ही होता है, निकाह की है ना, ये निकाह तो नहीं है, शादी में को मिला तो ये पता निकाह के किस रिलेशन में, इनसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इनसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देख हमको कहानियां ना सुनाओ, हम इसी शहर में बड़े हुए हैं, जज साहब ऐसी कहानियां रोज सुनते हैं, आपकी किसी कहानी में नहीं आने वाली, जी 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 अच्छा, आपकी ये शहर में शादी में भी नहीं आने वाला बच्चा चाहिए, आपकी कहानी में भी नहीं आने वाले, मुझे ना मेरा बच्चा चाहिए मुझे जज साहब, और मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, ऐसे फ्रॉड आदमी के साथ जिसने दूसरी शादी भी कर ली, मैं तो पहले नहीं रहता तुम्हारे साथ, पहले नहीं रहता अभी मेरा बच्चा मुझे चाहिए, देखिए जी मैं हेलो मैं इस प्रोग्राम के तवसुत से इत्तेफाक का ये इशू इसमें आ गया, तमाम मुखय्यर हज़रात से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये जो वीडियोस फेसबुक पर ये देखते हैं ज़रूर आप इसमें खैरात भी दें, कार खैर में हिस्सा भी लें, लेकिन उससे पहले वेरिफिकेशन करें, ऐसा ना हो कि आपसे इलाज के नाम कर कोई पैसे लेके दूसरी शादियाँ रचाता फिरे और पता चले कि आपका जो ज़कात का पैसा किसी और को मिलना है वो शादियों में खर्च हो जाए, तो ये मेहरबानी करके आप ज़रूर पैसे दें क्योंकि ये कार खैर है और बहुत लोग नीडी होते हैं, लेकिन अब उसमें ये जो जाली लोग आ जाते हैं तो असल लोगों का हक मारा जाता है, तो मेहरबानी करके इसको आप बिल्कुल जांच परख कर अपने पैसे भेजें, और अगर हो सके तो जो गिवन एड्रेस के ऊपर अपना कोई मुलाजम भेजें, कोई ख़ास घर का बंदा भेजें जो जाके वहाँ चेक करके और वेरीफाई करके आए, और उसके बाद जो है आप ये इस तरह का कार खैर में हिस्सा लें, और कई लोग तो वो कहते हैं कि बस ठीक है आप इलाज करा दें हम डायरेक्ट हॉस्पिटल को पैसे दे देंगे, वो भी एक गुड तरीका है कि हॉस्पिटल का बिल आपको आएगा आप वहाँ पे कर दें, बच्चे का इलाज भी हो जाएगा जो भी चीज़ है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस रोज़ आती हैं, तो ये शादियों में ना खर्च हो जाएँ पैसे इस काम के लिए, जिस काम के लिए हैं उस सर हमने शादी पर पैसे नहीं खर्च किए, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आप वाली तो मुफ्त हो गई जी, नहीं मुफ्त अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मजे की बात है सर, अच्छा और शादी में फ्लैट भी मिल गया, अच्छा अब ये रहे भी आपके फ्लैट भी रहे ना, जी जी सर, बच्चा एक साल से मेरे पास है, वो इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा, नहीं नहीं ये कहने की बातें हैं सर, बच्चा अब सेहतमंद है, वो जाने नहीं चाह रहा अपनी माँ के पास, बच्चा अपनी माँ के पास खुश रहेगा या सुतेली माँ के पास, वो माँ क्या है, वो माँ क्या है जिसमें ममता क्या है बेटा, माँ का मतलब होता है माँ बन के दिखाना, उसकी अच्छी परवरिश करना, उसकी अच्छी तरबियत करना, दो महीने तीन महीनों का ना तुम अच्छी बीवी साबित हुई हो ना तुम अच्छी माँ साबित हुई हो, वो तो तुम्हें नजर जाहिर हो, आज भी तुम वही कर रहे हो, 10 साल पहले थी, तो मैं बता दूं आपको, देखिए ये कानूनी पोजीशन है, ये अक्सर हमारे पास लोग करा के लेते हैं, वो जी बच्चा बहुत खुश है वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो ये है कि बच्चा जिसके पास रह रहा होता है जाहिर है उसी से मानूस होता है, लेकिन जो कानूनी हैसियत इससे नहीं बदल सकती, माइनर बच्चा अपना कंसेंट नहीं दे सकता, वो सिर्फ जज साहब खुद लें उसका कंसेंट, और वो जजों को तजर्बा भी होता है और इख्तियार भी होता है, और वो बच्चे से पूछ कर बाद अवकात फैसला करते हैं, लेकिन कानून में ये है कि वो जो बच्चा 7 साल से कम उम्र का है उसको माँ के पास जाना ही जाना है, तो भाई साहब पहला काम तो ये करें कि आप मेहरबानी करके ये बच्चा फौरी तौर पर इनके हवाले करें, अदरवाइज ये है कि मेरा इनको मशवरा है कि फौरी तौर पे सर, सर मैं इनको बच्चा वापस करने को तैयार हूं, फौरन करें सर, मैं बच्चा वापस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये अच्छी माँ की तरह उसका ख्याल रखे, वो करेगी सर, वो उसकी माँ है, मैं ये जो तुमने झूठ बोला ना, मैं हवा करके चला गया हूँ,
रातों रात गायब हो गया, ऐसा नहीं था। फेरनी चाहिए, ठीक है? सर मैं रातों रात गायब नहीं हुआ था। हर माँ अच्छी होती है, ये कहने की बातें हैं। ये इस तरह के अब्बे जो हैं वो माँ के ऊपर इल्जाम लगा के अपनी जो उसको छुपाना चाहते हैं। भाई माँ माँ होती है, माँ अच्छी माँ है। सर एक तो सर माँ वो बच्चे का फैसला आपने किया, बहुत अच्छी बात है। प्यार दे मोहब्बत दे, एफआईए का साइबर क्राइम विंग का एक मुकदमा होना चाहिए इन पर। तो अब ये काम को आप करते नहीं, आप कौन होते हो ये मशवरे देने वाले? आप ये काम करते हैं, उसके साथ साथ ये फेक वीडियो जिस वक्त बीवी के साथ तुम रह रहे हो, ये कौन सा मुकदमा है? ये वीडियो बनाता है, साइबर क्राइम बंद होना चाहिए। कराची में मैं बता दूं कि कराची में साइबर क्राइम का दफ्तर बना हुआ है, वहाँ पे जाके एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। वो बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम है एफआईए की, और माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये इनका गुलिस्तान जौहर में शहर के दारुल सेहत हॉस्पिटल के साथ ही दफ्तर है। लोग आप अगर उसमें रابطہ करें, और ये जो फेक जी बिल्कुल वो एप्लीकेशन हम देंगे, वो एप्लीकेशन हम देंगे, आप भी दोनों दें जी। ये बंदा वीडियो बनाने वाला बंदा भी ये सारा जो जेन्युइन और डिजर्विंग लोग होते हैं उन तक इमदाद नहीं पहुंच पाती। बस ये अब हमारा टाइम तकरीबन खत्म हो गया है जो इस मुकदमे के लिए था, तो इसको कंक्लूड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। इसमें ये है कि सरकार आप फौरी तौर के ऊपर बच्चा इनके हवाले कर दें, वालदा के आज। अगर ये आज नहीं होता बच्चा वाले, तो सुबह फिर पुलिस के जरिए आपसे रिकवर होगा। हम सेशन जज को दरख्वास्त दे देंगे, अगर आपको वकील नहीं मिलता तो आप हमसे रब्ता करें, वरना कराची बार एसोसिएशन में दफ्तर है, वहाँ पूरा डिपार्टमेंट है, वहाँ हमारा जनरल सेक्रेटरी है। आप सुबह जाके जनरल सेक्रेटरी से मिल लें, वो आपको मुफ्त वकील देगा, कोई पाई पैसा नहीं लगेगा। वो आपको साथ लेके सेशन जज के पास जाएगा और देन एंड देयर माशाल्लाह ऑर्डर लेके देगा। ये हमारे बार एसोसिएशन में ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है हर आदमी को, आप वहाँ फौरी तौर पर रब्ता करें। ठीक है सर, सर बिल्कुल मैं बच्चा इनके हवाले कर दूंगा जी। एक तो ये अच्छी तरह उसका ख्याल रखेंगी, बच्चा दोबारा बीमार नहीं, आपने बच्चे का मेंटेनेंस भी देना है, वो तो फिर बाद मैं देने को तैयार हूँ सर। बच्चे का खर्चा सर मैं देने को देंगे देंगे, ये बच्चे का मुझे खर्चा देगा, और इस इंसान से मुझे नहीं रहना, बस फौरी तौर पर मुझे मेरा बच्चा। वो आप खुला ले अपना इस बंदे से जान छुड़ाएं, और सर इनको बोले कि मुझे बच्चे से मिलने का पूरा हक है, राइट है, वो मिलेगा, ये मुझे 15 दिन में बच्चे का मुझे खर्चा लेके मिलने की बच्चे का खर्चा चाहिए, और ये बच्चे को मैं अपनी हिफाजत में खुद के अपने तरह किसी तरह एक माँ अपने बच्चे को कैसे। बस सब ठीक है, चले जी आप बच्चा वाले कर दें और खर्चा भी दें, और अदालत बर्खास्त होती है। थैंक यू।